हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा जो क्षेत्र है जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है क्लास 12th का, उसका मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताऊंगी। ठीक है, तो मैं जितने भी सारे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, सभी न्यूमेरिकल को आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में वो न्यूमेरिकल पूछे या उस पर डिपेंडेंट कोई भी न्यूमेरिकल पूछे, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से उन न्यूमेरिकल्स को कर लें। ठीक है, आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर लें और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, देखिए होता क्या है कि न्यूमेरिकल आते हैं कैसे, न्यूमेरिकल जो आप क्वेश्चन मतलब कि जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा या कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा, तो कूलाम का नियम जो सूत्र है या फिर जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है उसी पर डिपेंडेंट आते हैं क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको सभी जो फॉर्मूले हैं मतलब जो टॉपिक है उन सभी फॉर्मूले के, जैसे मान लीजिए कूलाम का जो नियम है, वैद्युत क्षेत्र जो है, उन सभी वैद्युत विभव जो है, उन सभी के जो फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट आपको न्यूमेरिकल बता दूँ सॉल्व करवा दूँ अच्छे से, तब तो आपको समझ में आ जाएगा ना। बता दूँ अच्छे से, समझा दूँ, सॉल्व करवा दूँ उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी जो फॉर्मूले हैं उस पर डिपेंडेंट सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवा दूँ, तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी सारे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल्स को मैं लाइन वाइज लाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो आपका क्या काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक वीडियो में जो न्यूमेरिकल आपको बताऊंगी उसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और उस पर आधारित अगर दूसरा न्यूमेरिकल पूछेगा एग्जाम में, देखिए एग्जाम में ना बस क्या होता है कि घुमा फिराकर थोड़ा पूछ देता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इजी वे क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो सभी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी ताकि जब भी एग्जाम में पूछे न्यूमेरिकल तो आप उसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हम बताते हैं वही न्यूमेरिकल एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन अंक जो होता है वो थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और थोड़ा न्यूमेरिकल मतलब कि इस तरह से दिया जाता है एग्जाम में, थोड़ा घुमा फिराकर। ठीक है, बाकी सब वही रहता है, आपको उसी फॉर्मूले का यूज करना रहता है। ओके, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे फर्स्ट जो आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल वो है कि एक धातु के गोले पर, ठीक है, एक धातु है उसके गोले पर, ठीक है, एक धातु के गोले पर 2.0×10⁻¹⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। ठीक है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, इसमें पूछ रहा है कि एक धातु के गोले पर, और मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल समझाऊंगी ना कि आपको फटाक से ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप छूट गया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए एक धातु के गोले पर इतना कूलाम, सबसे पहले क्या है, इतना कूलाम जो है, सबसे पहले देखिए एक धातु के गोले पर इतना कूलाम जो है ऋणावेश उपस्थित है। पहले बात को समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि एक धातु के गोले पर 2.0×10⁻¹⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में, ठीक है, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, अब मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे ईजी वे क्या होता है, मतलब कि सही तरीका क्या होता है, आसान तरीका क्या होता है, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से याद कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है वहां पर। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि पहले तो जो जो दिया है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, जो जो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में उसको आप लिख दीजिए और जो पूछ रहा है उसको भी लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और किस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई, तो चलिए अब हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले दिया कि एक धातु के गोले पर 2.0×10⁻¹⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना कूलाम जो है ऋणावेश उपस्थित है, अब यहाँ पर ऋणावेश की बात हुई है, ठीक है, ऋण आवेश की बात हुई है, तो यहाँ पर ये कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे Q=2.0×10⁻¹⁹। ठीक है, बात समझ में आई, कूलाम, ओके, कूलाम, इतना लिखने के बाद से अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कहा है कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, यहाँ पर देखिए आगे क्या है, यहाँ पर ऋणावेश की बात हुई है,
तो जब ऋण आवेश यानी कि माइनस की बात हुई है, ठीक है, इतना ऋण आवेश उपस्थित है। अगर ऐसे दिया होता कि एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻¹⁹ कूलाम उपस्थित है, तब तो आप सिंपल में लिख देते कि Q इक्वल टू 2.0 × 10⁻¹⁹ कूलाम। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बात हुई कि ऋण आवेश उपस्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, ओके, Q इक्वल टू −2.0 × 10⁻¹⁹ कूलाम। समझ में बात आ गई, ओके। अब आगे देखिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आप कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है, अब आगे देखिए, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी कि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्यू इक्वल टू इतना हमें कूलाम दे दिया है और पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अब हमें फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हाँ यहाँ पर तो हमें फॉर्मूले का यूज करना है, तो हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है, तो फॉर्मूला है हमारा Q इक्वल टू N इंटू E, ठीक है, यही इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है, लेकिन इसी फॉर्मूले का तो हमें यूज करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए Q हमें ऑलरेडी दे दिया है और N की वैल्यू हमें हमसे पूछ रहा है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम तो आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर E की संख्या तो हमें पता होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता होती है −1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, −19 कूलाम, ओके, बात समझ में आ गई, तो E की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू हमें पता है, अब पूछ क्या रहा है, N की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, तो फटाफट से N की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कितना सिंपल है ना, सबसे पहले आपने ये पता लगाया कि यहाँ पर दिया क्या है, तो कूलाम दिया, कूलाम का मात्र आवेश का मात्र क्या होता है, कूलाम, तो Q इक्वल टू इतना आपने लिख दिया, उसके बाद से आगे कह रहा है तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी कि सिंपल से यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे, तो N की वैल्यू हमें फाइंड करना है, पता करना है, तो Q की वैल्यू दे दिया है, E की वैल्यू आपको पता है कि −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, और N की वैल्यू फाइंड करना है, पता कर लेते हैं, ठीक है, N की वैल्यू पता कर लेते हैं, तो देखिए Q इक्वल टू N इंटू E होता है, ओके, हमें N पता करना है, तो क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा N इक्वल टू Q अपान में E, ठीक है, कैसे होगा ये, देखिए कैसे होगा ये, Q इक्वल टू N इंटू E है, N को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है, N को यहीं पर छोड़ देते हैं और E जो है इसको यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q इक्वल टू N इंटू दिया है, तो Q अपान में E लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू में E है, अब हम ऐसे कर सकते हैं कि N इक्वल टू में Q अपान में E, ठीक है, इसे ऐसे कर सकते हैं ना, तो हो गया हमारा, ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो N इक्वल टू Q की वैल्यू है −2.0 × 10⁻¹⁹, ठीक है, उसके बाद से अपॉन में −1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, और दोनों पर कूलाम है, ठीक है, कूलाम है और यहाँ पर भी कूलाम है, ठीक है, समझ में बात आ गई, आप जब माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और वो यहाँ पर माइनस से माइनस हम काट देंगे, ठीक है, और कूलाम से कूलाम को, ठीक है, तो अब हमारा क्या बच जाएगा, N इक्वल टू 2.0 × 10⁻¹⁹ और अपॉन में 1.6 × 10⁻¹⁹, ओके, अब आगे देखिए, तो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर लिखेंगे N इक्वल टू, ये हमारा 2.0 ही रहेगा, ठीक है, और 10⁻¹⁹, ठीक है, और ये जो हमारा है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, समझ में बात आई, जब ये ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक है, −19 है तो ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ओके, अपॉन में 1.6, अब N इक्वल टू, ठीक है, N इक्वल टू 2.0 × और जब इसको हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10⁻¹⁹, ठीक है, 19 में से −9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻¹⁹ अपॉन में 1.6, ओके, अब हम जब इसमें भाग देंगे 2.0 को, इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, N इक्वल टू 1.25 × 10⁻¹⁹, इतना क्या आएगा, इतना हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई, तो अब क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, अतः
ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो लिख सकते हैं अतः इस पर, ठीक है, 1.5 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है, होगी। बात समझ में आ गई? तो इस पर जो है 1.25 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रॉन। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो इसे प्लीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, एकदम डीपली में, एक भी स्टेप छूटा नहीं है, ठीक है। सभी स्टेप को लाइन बाई लाइन अच्छे से समझा दी हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और वैद्युता स्थित क्षेत्र के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, सभी न्यूमेरिकल को बता दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो में, ओके। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर इस क्वेश्चन में कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।